है ना, वो डबल मैंने शायद कॉपी करके लिख एक दिया काम था, करते हैं समरोज, अपडेट करते हैं सर इसको। नहीं नहीं एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग से ऊपर करिए थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग से इसको बताइए आप कि आपने क्या क्या किया है, तो फिर थोड़ा सा हम एक एक अभी तक तो हम वो कर रहे थे, अब हम एक मतलब स्टेप बाय स्टेप से समझ लेते हैं, हो सकता हो किसी को नहीं समझ में आ रहा हो। तो जी सर, सबसे पहले आपने क्या करा है वो बताइए। सबसे पहले आपने एक टेबल क्रिएट करा है जिसका नाम है स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट टेबल है, उसमें आईडी एक फील्ड है, और आईडी फील्ड को आपने प्राइमरी के लिए लिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हो सकता है कोई कंफ्यूजन में हो, प्राइमरी की किसी भी फील्ड को बनाया जा सकता है, लेकिन जिस भी फील्ड को कभी भी आप प्राइमरी की बनाइएगा तो उसे हमेशा याद रखिएगा कि वो यूनिक रहता है। तो जब कोई भी चीज़ आपको प्रोजेक्ट लेवल पे यूनिक चाहिए उसे प्राइमरी की आप लेके चलेंगे, राइट। दूसरी चीज़, ऑटो इंक्रीमेंट अगर उसको चाहते हो आप कराना कि जी आईडी अपने आप इंक्रीमेंट हो, और ये जनरली हम करते हैं, क्यों करते हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आप किसी भी यूज़र की आईडी, उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसके पासवर्ड से उसका साइन अप कराओगे, देन उसका लॉगिन कराओगे, तो जितने बार वो साइन अप करेगा आप चाहोगे कि जिसकी आईडी अपने आप जनरेट हो, है ना। अगर उसके लिए कोई यूनिक वैल्यू चाहिए तो अपने आप जनरेट हो, वो मैनुअली थोड़ी ना डालने जाओगे या यूज़र से थोड़ी ना मांगोगे कि अपनी आईडी दो आप, है ना। जैसे कई कॉलेजेस में या आप ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके लिए एक आईडी जनरेट होके आ जाती है ना, जैसे ABCDXYZ करके। अच्छा, वो डायनेमिक होती है जो हम वो वहाँ पे बनाते हैं, डायनेमिक भी आप बनाना सीख जाओगे क्वेरीज के थ्रू। क्वेरीज मतलब लगा के हम, जैसे आपकी ये भी आईडी जो होगी ये 1 2 3 ऑटो इंक्रीमेंट होगी, समझ रहे हो ना। हम ऐसा भी एक आईडी कुछ ऑटो इंक्रीमेंट करा सकते हैं जिसमें जी कुछ स्ट्रिंग पहले फिक्स करके रख सकते हैं, जैसे इनरोलमेंट नंबर होता है ना कि शुरू में लिखा हुआ है ENR और 01, फिर 02, फिर 03, फिर 04, ऐसे, है ना। तो वो भी हम जनरेट कर सकते हैं, वो आप ट्राई करिएगा। वैसे कुछ है नहीं, आप क्वेरीज में स्ट्रिंग लिख दीजिएगा और जब जब क्वेरी चलेगी तो एक एक कोई नंबर लेके उसमें इंक्रीमेंट करा देना, और क्या, तो वो उस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। फिलहाल ऑटो इंक्रीमेंट आपने ले लिया, फिर आपने एक ले लिया नेम जो कि वर्कर और एड्रेस, यानी कि आईडी, नेम, एड्रेस, तीन फील्ड हमारे पास हैं, तीन टेबल हैं जिसको आपने आईडी को जिसको प्राइमरी की आपने बना दिया, ठीक। अच्छा, और साथ में आप चाहते तो नॉट नल भी कर देते, ठीक है। साथ में चाहते तो आप नॉट नल भी कर सकते थे, वैसे आपकी इच्छा है। तो पहला टेबल तो ये हो गया, है ना। अगला टेबल क्या है, अगला टेबल क्या है और क्या करने जा रहे हो। सबसे पहले पहले तो वो पहले वाला टेबल को तो बता दो, उसमें क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करा है वो भी बता दो। जी सर, सर बेसिकली हमने क्या किया कि एक टेबल क्रिएट किया और उसके अंदर आईडी को एज अ प्राइमरी की ले लिया और ऑटो इंक्रीमेंट करवा दिया। मेन टू से कि हम मैन्युअली उसको नहीं देंगे, वो वैल्यूज जैसे हम देते जाएंगे वो खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने नेम लिया और वेरकेर ने उसके साइज दे दिया जो कि 30 कैरेक्टर्स को लेगा, और नॉट नल। बेसिकली आपको पता है कि जब आईडी प्राइमरी की है तो अगर नेम देंगे तो उसके लिए जो है वो आईडी भी होगी, और वो नॉट नल कैसे हो सकते हैं, कोई अगर हम नाम भी ना दें और आईडी भी आ जाए तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या किया कि ये एड्रेस दे दिया, ठीक है। एड्रेस मीन टू से काफ़ी बड़ा होता है किसी का, तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एड्रेस को ले लिया वेरकर के अंदर, आप टेक्स्ट के अंदर भी ले सकते हो, ठीक है, वो जो आपको अगर सुटेबल लगे। सपोज करो कि हमें कोई ऐसा टेबल में कोई ऐसा चीज बनाना है जो मतलब यूनिक भी रहे और नल हो सके, ऐसा कुछ होता है क्या? यस सर, उसके लिए यूनिक की जो है हम बेसिकली यूज़ करते हैं उसके अंदर, और प्राइमरी की के अंदर यही डिफरेंस होता है कि वहाँ पर नल वैल्यूज अलाउड होती और प्राइमरी की में हमारे पास नल वैल्यूज अलाउड नहीं होते हैं सर, ये डिफरेंस वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मोबाइल नंबर ले लेते हैं, है ना। वो तो यूनिक होती है लेकिन किसी के पास नहीं है तब भी काम चल सकता है, बना लो यूनिक की, इसमें हो जाएगा इसी सर टेबल में, वो एड कॉलम करना पड़ेगा सर उसके लिए, फिर बोलें तो कर दूं कर सर, दो, क्या दिक्कत है। आप एक अल्टर करके इसी करते में हैं कर सर। दो, या ड्रॉप भी कर दो, ऊपर ड्रॉप कमांड चला दोगे तब भी हो जाएगा वैसे।
अल्टर ऐड कर करा दो, देते हैं सर। अल्टर कर दो, हाँ अल्टर कर दो, मोबाइल नंबर इसमें ऐड ऑन कर दीजिए आप। और अच्छा, एक कैंडिडेट की भी होता है कुछ ऐसे, हैं पढ़ा है? जी सर, वो थोड़ा बहुत पढ़ा है सर, ज्यादा उसके बारे में भी याद नहीं आ रहा सर। हर की अपने आप में कैंडिडेट की है, मतलब जो भी की, हर की को नहीं कह सकते हैं, मतलब जो की प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी रखता है उसे कैंडिडेट की बोलते हैं, मतलब जिसको आप बना सको, जो जो मतलब ऐसे ना कि जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए जी मतलब 10 लोग उठते हैं, सब लोग तो नहीं उठते हैं, 4-5 लोग उठे जो जो मतलब उसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर बनने की दावेदारी रखता है अपने पास, है ना, तो वो सर लोग जो ये सर ये टेबल अल्टर हो गया हाँ, और इसे यूनिक बना दिया आपने, जी सर, आप सिलेक्ट करके देख लेते हैं सर, यहाँ पर बेसिकली सेलेक्ट कर लीजिए। वो जी सर, एरर क्यों आ गया? सेलेक्ट और ये जैसे सेमी कि कॉलन होता है ऊपर वाले की वजह से। सर, जी सर, सर ये देखें, ये हमने दे दिया, और अपडेट के द्वारा सर अब हम इसको इसके अंदर वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं सर, अपडेट कर दूं सर इसको। तो इसकी बड़ा जरूरत पड़ती है कई बारी, मतलब देखो ये सब जो है छोटी छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि जी कोई कहेगा ना मेरे टेबल में तो यार प्राइमरी की तो एक ही बनती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई की हो जो यूनिक हो, लेकिन फिर भी अच्छा एक किसी टेबल में यूनिक की बहुत सारे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? यस सर, बहुत सारे बन सकते हैं सर, आप बहुत रख सारे सकते हो कोई सा जो भी, मतलब फील्ड होते हैं उनको यूनिक आप बना सकते हो, लेकिन प्राइमरी की अभी नहीं हम दे होती। रहे हैं ना सर, ये नल नल दे रहे हैं सर, इसको देखिएगा ये अपडेट हो जाएगा सर इजीली, आप कोई नंबर भी दे सकते हो, और कोई नल तो ऑलरेडी है, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे उसको नंबर दे देंगे, अपडेट टेबल नहीं नंबर लिखना थ्री, होता है, अपडेट टेबल नेम। सॉरी सर, सॉरी जी सर, जी सर गलती हो गई, स्टूडेंट ठीक है सर, वेयर आईडी इक्वल टू हमारी 1 है, ठीक है, ये हम 1 को असाइन कर देते हैं अपडेट, ठीक है सर, ये अपडेट हो गया, और ये 2 को भी हम असाइन कर देते हैं बेसिकली, यहाँ पर हमने दे दिया कुछ भी दे देते हैं सर, ये सारे अपडेट हो गए, और 3 को मैं चाहता हूँ कि वो नल रहे, उसके अंदर कोई वैल्यू ना आए, ठीक है, थ्री को मैंने एज इट इज नल ही छोड़ दिया, अगर यही यहाँ पर प्राइमरी की होती तो आपको एरर आ जाता कि भाई ये आप नहीं कर सकते यहाँ पर, पर ये और 4 को मैंने ये इंसर्ट की क्वेरी आपने नीचे लिखी हुई है राइट? जी ये सर, भी सर ये तो अभी अपडेट करके मैं ये वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि वो ठीक कॉलम है। फिल हो जाए सर जो हमने ऐड किया, सर ये आ गए सर, देखें सर, 1 को मैंने अल्तमस भाई का सर फोन नंबर जो है वो इनके पास नहीं है मोबाइल, तो मैंने नल लिख दिया सर, सही बात है, बाकी नहीं है जितने मोबाइल, 3 इनके पास मोबाइल जी की सर, कमी है। और यहाँ पे हमारे 4 फील्ड है ना, एक फील्ड और मतलब सॉरी 4 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यू आप डाल दो है ना, जैसे सर इंसर्ट क्वेरी आप। हाँ एक और सर बना लो, नहीं, एक और इंसर्ट क्वेरी कर लो, मैं ये कह रहा हूँ एक डेटा और इंसर्ट कर लो। सर कॉलम इंसर्ट कर दूं ना, मतलब ना ना ना, डेटा इंसर्ट कर जो लो। अच्छा, यहाँ पर सर नीचे, अच्छा, सर ये इनको मैं कर देता हूँ, अरे रवि भाई हो गए सर, ये बिहार से इनका ताल्लुक है, सॉरी रवि का, बिहार रवि सर, का पता ही नहीं नाम बिहार इन्हीं का है। सर, मैं तो ऐसे ही नाम ले रहा हूँ सर, पता ही नहीं चलता नहीं, बिल्कुल पूरा बिहार इनका है, सरकार बनवा दिया इन्होंने। हाँ सर, ये हटा दीजिए लास्ट में जो लगाया है। हाँ बस, ठीक है। क्या कह रहा है भाई सर? सर आई थिंक वी सर ऊपर सिर्फ नेम और एड्रेस लिखे हैं तो मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते ना? हाँ, सही कह रहे हो, फॉर्म सॉरी भरते हुए सर, मोबाइल हाँ नंबर भी सर डालिए ना। जी सर, जी सर, काफी क्यूरियस हो गए ना तो सर वो दिक्कत आ रही है, अभी भी वही आ रहा है सर, पता नहीं क्यों, आप कोमा को भी सिलेक्ट कर रहे हो इसलिए।
भाई सेपरेटर लगाओ ना फिर वहाँ, हाँ हाँ कोई बात कोई एक वैल्यू है। नहीं, सेमी कॉलन सर वो लगा दो डेटा ना फंस आप, सेमी गया कॉलन लगा दो, सेमी कॉलन सर, वही हो लगा गया दो, सर, अपडेट हो गया सर। हो गया इंसर्ट। ठीक है ठीक है, अब इसको सर फिर से भाई सही लोग कर दो, फिर से वैसे ही कर दो, मतलब ऐसा ऐसा इसको बना दो कि मल्टीपल क्वेरी, क्योंकि ये सारा क्वेरी मैं चाहता हूँ ये उठा के एज इट इज दे देना आप, ताकि ये सब लोग मतलब जी इसे यूज कर लेंगे, याद रहेगा। अच्छा इसमें सर, सेव भी तो हो जाता है क्वेरी, इसे फाइल में जाके सेव कर दोगे, सारी क्वेरी सेव रहेगी डॉट एसक्यूएल, और एसक्यूएल जी इम्पोर्ट सर, एक्सपोर्ट भी हो जाता है, जैसे आपने पूरा ये बनाया स्क्रिप्ट, है कल को जी ये सर एसक्यूएल। स्क्रिप्ट भी बनता है, हाँ जी स्क्रिप्ट भी बनती है ना सर हमारे पास, स्क्रिप्ट ओरेकल में तो सर बनती थी। हाँ, यहाँ पे भी बनता है, बस अब सर ये ज्वाइन बता दूं थोड़ा सा सर, हाँ पहले इसे आप इंसर्ट कर लो, यहाँ पे भी लिख दो मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करने वाला भी लिख दो, यहाँ दो तीन। सर नहीं ये रहना सर, ये रिक्वायरी सर अलग से। नहीं मैं ये कह जी रहा सर, हूँ कि ये वैल्यू इंसर्ट करने वाला भी इसी के सामने लिख दो, एरर आ रहा है ना यहाँ नीचे, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जी सर ऐसा वो लिख फिर दो कि चेंज कर। समझे नहीं मेरी बात। जी सर समझ गया, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और चेंजेस कर देता हूँ सर इसके अंदर, ये मोबाइल हटा देता हूँ इसके आगे से। नहीं रहने दो, है ना, मोबाइल भी रह, मोबाइल ही तो सर रहना वो है, एक क्योंकि हमें उसी के हिसाब से तो हमें याद रखना है। कंट्रोल जेड करो, सर बताता वो हूँ, सर वही कंट्रोल रहा जेड ना कर दो मोबाइल आप। वाला। अच्छा अच्छा ऊपर अच्छा रख सर, दिया, ऊपर रख दिया, ये कह जी रहे हो। सर हाँ वो ठीक अलग है है, ये ठीक अलग है सर। जी सर है ठीक है, फिर इसको हटा ही दो ना, इसकी क्या जरूरत है हमें, अब नीचे वाले की जरूरत क्या है, समझ रहे हो अच्छा आप। अब बस एक सर, यहाँ एक कमेंट कमेंट नहीं होता सर। हटा दो, कमेंट तो ऐसे तो मैंने नहीं किया है कमेंट कभी, ऊपर जाओ, अच्छा सर होता होगा कुछ वैसे ना ही कुछ। होता था, जैसे अपन यहाँ पे जाओ में। एक इसी को कॉपी कर लो, 9 नंबर 15 को एक बार कॉपी पेस्ट मार दो बस, और कुछ नहीं, समझ रहे हो। अगर हमें मल्टीपल वैल्यू 14 नंबर लाइन, सॉरी 15, अगर मल्टीपल वैल्यू डालना है तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, बस एक बार याद रहे, बस समरोस बस काफी है। जी, जी भाई जी भाई बोलिए। जैसे हम जावा में कमेंट करते हैं ना वैसे ही होता है मल्टीपल। अच्छा, ये वाला आप कह रहे हो, ये जो यहाँ पर क्यों होता है। हाँ हो तो गया भाई, सही हाँ कह रहे हो हो, गया, सही थैंक यू जी सर, है, हो गया हो गया बहुत ही सर। बढ़िया। अब ये टेबल सर हम लोगों ने बनाया, वो टेबल तो हमने सिंपल सा बनाया, उसमें फॉरेन की और सॉरी प्राइमरी की वगैरह बनाया। अभी हमने पहला टेबल डिस्कस किया है, अब दूसरा टेबल आप डिस्कस करो, दूसरे टेबल के जी बारे में सर, बात करो, दूसरा टेबल मैं क्या है। रिपीट हाँ सर, ये करिए। रिपीट जी सर, ये बेसिकली सर ने अभी रिक्वायरमेंट दिया था कि हमें एक और कॉलम जो है वो ऐड करना है, तो कॉलम ऐड करने का आप ये चाहते हो कि अगर कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में या अपने रिलेशन में टेबल में, तो वहाँ आप ये क्वेरी लिखोगे अल्टर टेबल, देन टेबल का नाम, फिर ऐड कॉलम। ठीक है, जो भी आपने देना है, फिर कॉलम का नेम पहले दोगे, उसके बाद उसकी साइज दे देना। अगर आप इंटीजर लेना चाहते हो तो इंटीजर, वैरकर या जिस भी टाइप का आप लेना चाहते हो। देन सर ने ये कहा था कि ये जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को जो है वो एक्सेप्ट ना करे, तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है यूनिक का, तो उसका हमने यूज किया, यूनिक बना दिया इस कॉलम को। मतलब ये कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, बट नल हम रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, देन उसके बाद अपडेट किया सिंपल सा हम लोगों ने, उसके बाद मल्टीपल जो है वो डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए क्वेरीज हमने चला दी यहाँ पर, और उसके बाद ये टेबल बना दिया सेकंड, क्योंकि हम रिलेशन बनाना चाहते हैं और इक्वी ज्वाइन या सिंपल जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो टेबल होना लाजमी है। एसेंशियल है कि दो टेबल होंगे और प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशन होगा, तभी हम ज्वाइन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी सर, तो उसके लिए हमने क्रिएट टेबल किया और उसको सब्जेक्ट किया है, सब्जेक्ट के नाम से टेबल को क्रिएट किया, और सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट का नेम, और यहाँ पर फॉरेन की बनाने का बेसिकली सिंपल सा सिंटेक्स छोटा सा कि आप किसको फॉरेन की बनाना चाहते हो। तो मैंने क्या किया कि इसी टेबल में से ये वाले जो है मेरा ये वाला जो कॉलम है, तो इसको मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने इसको फॉरेन की बना दिया। ठीक है, और रेफरेंस कहाँ से लूंगा मैं, बेसिकली रेफरेंस मैंने लिया स्टूडेंट टेबल से, वहां की जो आईडी है ना वो वहां पर प्राइमरी की है, और यहाँ पर ये वाली जो आईडी मैंने ली है इसको मैंने एज अ फॉरेन की यहाँ पर रखा है, या मैं बनाना चाहता हूँ, वो आप कोई सा भी बनाना चाह
बना सकते हो, बट ये कि वो डेटा टाइप भी सेम ही होना चाहिए। आप जिस भी रिलेशन में फॉरेन की या प्राइमरी की के द्वारा ज्वाइन को परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो जो भी कॉलम होगा ना उसका डेटा टाइप भी सेम ही होगा। अगर सेम नहीं होगा तो ज्वाइन परफॉर्म नहीं हो सकता उस पर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देन हमने क्या किया कि इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यूज, जैसा कि इंसर्ट करने की कमांड जो क्वेरी होती है वो चला दी, और मल्टीपल डेटा जो है एक साथ जो है वो इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, अब ये जो है ना ये बेसिकली ज्वाइन की क्वेरी होती है हमारे पास, कि हमें अगर ज्वाइन परफॉर्म करना है दो टेबल का डेटा एक साथ शो करवाना है, ठीक है, और डुप्लीकेसी को रिमूव कराना है। फॉरेन की का एक ये डिसएडवांटेज होता है हमारे पास सबसे बड़ा, कि डुप्लीकेसी जो है ना, अगर हम रिडंडेंसी जो होती है हमारे पास डेटा में, कि हम ये चाहते हैं कि एग्जैक्ट डेटा हमारे पास आए, तो वो फॉरेन की बहुत जो है उसमें किरदार अदा करती है अपना, मीन टू से एसेंशियल होती है कि आप उसके द्वारा दो रिलेशंस को एक साथ रख के और उनके अंदर से जो है वो एसेंशियल डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। फॉरेन की का ये भी एक पर्पस होता है। तो यहाँ हमने क्या किया कि सिलेक्ट ज्वाइन को, ज्वाइन की क्वेरी लिखने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर कमांड चलाई, और ये जो रजनीकांत भाई पूछ रहे थे कि ये एस डॉट क्या है, ये बेसिकली एलियास होता है। अब मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, मीन टू से मेरा सब्जेक्ट स्टूडेंट में भी जो है वो डेटा नेम नाम से एक कॉलम है, और जो सब्जेक्ट है वहाँ पर भी एक नेम नाम से कॉलम है। तो मुझे दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने एलियस का यूज़ किया। एलियस बेसिकली एक मतलब कि एक टर्मिनोलॉजी है या एक वर्ड आप कह सकते हो कि आप जिसके द्वारा निक नेम बोलते हैं, निक नेम हिंदी में होते बोलते हैं निक नेम, छोटा नाम। जी सर वही। तो वो निक नेम देने के लिए, डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए कि भाई ये इस टेबल से बिलोंग करता है और ये नेम जो है वो इस टेबल से, तो सब्जेक्ट वाले के लिए मैंने एलियस दे दिया यहाँ पर एस बी, और नेम स्टूडेंट का जो नेम था उसके लिए मैंने दे दिया एस। ठीक है, फ्रॉम अब कहाँ से डेटा लाना है मुझे, एक डेटा लाना है स्टूडेंट से, उसका एलियस क्या यहाँ पर एस है, और एक लाना है सब्जेक्ट से, उसका मैंने एलियस क्या दे दिया एस बी। ठीक है, अब वेयर के अनुसार मतलब वेयर के थ्रू जो है वो मैं कंडीशन दूंगा कि भाई अब यहाँ पर ये वाला जो है, आपको पता है कि हमने प्राइमरी की रखा था, और ये वाली जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है ये यहाँ पर फॉरेन की है। ठीक है, तो ज्वाइन के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि रिलेशन होगा फॉरेन की और प्राइमरी की का, तभी हम कोई जो है वो ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा ज्वाइन के लिए प्राइमरी मतलब की, कहने हमने बराबर रख दिए किसके, जो हमारी फॉरेन की है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये था कि अगर दो टेबल से डेटा लेके आ रहे हो, देखो हमारा ज्वाइन का मतलब क्या है, ज्वाइन का मतलब ये है कि मुझे दो टेबल से डेटा लाना है। तो दो टेबल से डेटा मतलब जब लाओगे तो किसी न किसी कंडीशन से भी लाओगे कि इस टेबल की ये वैल्यू अगर मैच करती है तो ये डेटा आ जाए। तो मतलब स्टूडेंट की आईडी और सब्जेक्ट की आईडी जिसका सेम हो, है ना, केवल उसी का डेटा फिल्टर होके आ जाए। आप अपने हिसाब से कंडीशन लगा दो, अगर ये दोनों सेम होंगी तो उनका डेटा हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो अब एक काम, इसीलिए मैंने इनको एक कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू इंसर्ट करवाई थी ऊपर, ठीक है। तो कुछ जिसकी सेम नहीं होगी वो नहीं आएगा, ऐसा भी होगा, है ना, ऊपर देखो, इसीलिए कुछ एक आध वैल्यू एक्स्ट्रा भी ऐड होगा। ठीक है, अब आप सेलेक्ट क्वेरी चला के देख लो स्टूडेंट वाले टेबल से, ये तो है, तो ये तो है शायद, आईडी है, नेम है, एड्रेस है, और ये मोबाइल है। इसमें देखो 5 आईडी है और उनका नेम है, एड्रेस और मोबाइल नंबर है। नीचे आओ थोड़ा। अब जब आप ये वाली टेबल देखोगे, दूसरी टेबल इसके बगल में अगर आप ओपन करो जिसका नाम है सब्जेक्ट, तो उसमें क्या क्या है, उसमें कितने सेलेक्ट क्वेरी चलाइए, केवल उसके लिए सेलेक्ट क्वेरी चाहिए सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए हमारे पास पहले में तो ये नल वैल्यू आई है, सब्जेक्ट आईडी में यहाँ नल वैल्यू क्यों आ रही है पहले के लिए। सर ये नल वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि आप नल वैल्यू इसको रख सकते हो। अच्छा, मुझे लगा कि शुरू में नल वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, नो सर, ये तो ठीक है। आईडी देखो, इसमें हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट है, कुछ सेम सब्जेक्ट वाले भी होंगे और 3 तक है। आपने स्टूडेंट में देखा था 5 तक था, तो हमने जब मैचिंग करी है तो 3 तक का ही डेटा हमारे पास आएगा नीचे ज्वाइन करने के बाद। लाइए
जी सर, ये रहा ये थ्री तक देखो का डेटा है। 3 तक का ही डेटा है, मतलब जिस जिसका जिसकी जिसकी आईडी और सब्जेक्ट आईडी मैच कर रही है, बस उसका डेटा फिल्टर होके वहां से आ गया। अब देखो कई बारी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, नहीं जी मुझे, अब यहाँ दो टेबल है, एक स्टूडेंट और एक है सब्जेक्ट। कोई कहता है जी नहीं मैं जो केवल स्टूडेंट टेबल का डेटा चाहिए, कोई कहता है जी मुझे सब्जेक्ट टेबल का डेटा चाहिए, है ना, कोई कहता है नहीं दोनों का इंटरसेक्शन मिला के चाहिए, है ना। तो इसको वेन डायग्राम भी इसका होता है ज्वाइन के लिए। अगर लेफ्ट टेबल का ही केवल डेटा चाहिए तो उसके लेफ्ट ज्वाइन, राइट टेबल का डेटा चाहिए तो राइट ज्वाइन, ठीक है ना, और दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए तो सर सिंपल ज्वाइन। ज्वाइन के लिए इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं तब भी हो गया, ठीक है। मैंने आपको एक नोट्स दिया था, एक नोट्स दिया है उसे ओपन करिए, साथ में उसको भी थोड़ा सा बता दूं। जो नोट्स दिया हुआ है जी सर, अभी देखते हैं। उसमें ज्वाइन के बारे में लिखा हुआ है कि ज्वाइन क्या होता है, कितना होता है, अभी उसे 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, समझा देते हैं आपको कि क्या है ये कहानी। सबसे ऊपर दूसरे नंबर पे है अंडरस्टैंडिंग द जनरल कंसेप्ट। अब यहाँ पे ज्वाइन सर्च कर लीजिएगा। तो बस यही था जो कि बहुत जरूरी चीज था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। जब आगे चल के प्रोजेक्ट बनाओगे आप लोग तो मतलब बहुत सारे टेबल बनेंगे, और बहुत सारे टेबल से डेटा लाने के लिए ये सब लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप ज्वाइन सर्च कर लीजिए कंट्रोल एफ करके। क्या हुआ, नहीं मिल रहा है क्या ज्वाइन? ये देखिए मिल गया सर। देखिए ऊपर 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 ले जाइए। ये देखिए हम ज्वाइनिंग क्यों लगाते हैं, तो कह रहा है नॉर्मली वी आर रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टेबल, बट सम टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डेटा फॉर मल्टीपल टेबल। तो दिस इज द करेक्ट फॉर द सिंपल एप्लीकेशन, बट देन रियल एप्लीकेशन, हमें जो है रियल एप्लीकेशन में बहुत सारे टेबल से डेटा अलग अलग जगह से लाना होता है। तो जब अलग अलग जगह से डेटा लाना होता है तो उस केस में हमें जो MySQL है वो ज्वाइनिंग की फैसिलिटी देती है कि एक से ज्यादा टेबल से डेटा हम लाएं। इसके लिए 3 तरह के ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। तो जो इनर ज्वाइन है ये रिट्रीव करता है ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ टेबल दैट आर मैचिंग बिटवीन द कॉलम इन अ बोथ टेबल, जैसे हमने अभी किया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने बाई डिफॉल्ट इनर ज्वाइन किया है, ठीक है ना। इसको करते कैसे हैं, मतलब बोथ टेबल से मैचिंग डेटा लेके आना, ठीक है। नीचे लाइए, तो ये लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलम वन कॉमा कॉलम टू कॉलम एन फ्रॉम इनर ज्वाइन। ये जो है ना फ्रॉम करके जो इन्होंने लिखा नहीं था, इनर ज्वाइन भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लिखना जरा वहां पे, आप MySQL ओपन करो, ठीक है, फ्रॉम के बाद फ्रॉम फ्रॉम, ठीक है, सर फ्रॉम, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हाँ करके फिर कॉपी करके दोबारा लिख दीजिए, इसको। बिल्कुल। फ्रॉम के बाद आप यहाँ पे, नहीं, उसको हटा क्यों रहे हो, सब रहने दो ना, कंट्रोल जेड करो उसे। जी सर बताइए। फ्रॉम के जस्ट बाद लिख दो इनर ज्वाइन और कुछ नहीं, बस खत्म, वही सेम चीज है। ये ऊपर वाले से कुछ एरर आ रहा है क्या, या एलियाज नेम सेम हो गया है? आई थिंक वो सर, वो अपन ने नाम नहीं दिया पहले, फ्रॉम एम्प्लॉय होगा सर, फिर होगा इनर ज्वाइन, ओके फ्रॉम हाँ पहले जो। जी सर, फ्रॉम एम्प्लॉय, और ये कॉमा हट जाएगा सर यहाँ से ना फिर। ओके। तो यहाँ पे एलियाज अब फ्रॉम, यहाँ पर आ जाएगा सर ऑन, हाँ सही है, तभी देखते हैं इसको। कुछ नहीं अब बस चल जाएगा, कुछ नहीं लिखना है, ऑन भी नहीं लिखना है, चल जाएगा जी, चलाओ अच्छा। आप इसे। जी सर हो गया। अब इसको ज्वाइन भी लिख दोगे ना, इनर हटा के केवल ज्वाइन लिख दो, इनर भी हटा दो, ओनली ज्वाइन लिख दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब जी जो इनर ज्वाइन होता है उसके लिए इनर ज्वाइन लिखोगे तब भी चलेगा, ज्वाइन लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, तीनों कंडीशन में ये चल जाता है।
ठीक है, तो ये तो होता है इनर ज्वाइन। अब आ जाइए डॉक्यूमेंट में, आ जाइए डॉक्यूमेंट में, आ जाइए। और इनर ज्वाइन में यही कहानी होती है बेसिकली, ठीक है। और इसको इन्होंने बढ़िया से समझाया हुआ है, देखो रुको रुको, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे, जो वो डायग्राम था ये देखो, यहाँ पे भी ऐसे ही किया गया है। यूजर आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड फिर लिया गया है, फिर ए लिया है इम्प्लॉई आईडी, तो उसकी यूजर आईडी यहाँ पे इम्प्लॉई आईडी, यानी कि वो यूजर आईडी इज द प्राइमरी की, इम्प्लॉई आईडी इज फॉरेन की, दोनों का मैचिंग डेटा लाने के लिए ये देखो नीचे पूरा क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है, मतलब पूरा क्वेरी यहाँ पे भी है आपके पास जो था, ठीक। अगर आप प्राइमरी की फॉरेन की नहीं भी बनाते, ऐसे दो अलग अलग टेबल भी बना लेते और सेम वैल्यू रख देते, ठीक है, तब भी चल जाता, लेकिन बात तो ये है वो तो हमारी एक अलग जुगाड़ है कि हमने सेम वैल्यू रख के कर लिया, लेकिन अभी क्या है प्राइमरी की फॉरेन की बना के करोगे तो वो तो वैल्यू रखना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये चीज है। फिलहाल ये तो हो गया इनर ज्वाइन, इसके बाद आता है आउटर ज्वाइन। नीचे आइए, आउटर ज्वाइन जो होता है इट इज यूज टू, देखिए क्या लिखा है, इट इज यूज टू फाइंड द रिकॉर्ड दैट मे नॉट हैव मैच इन अ अदर टेबल, समझ रहे हो। आउटर ज्वाइन इज ऑर्गेनाइज टू लेफ्ट आउटर ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और क्या है भाई, लेफ्ट आउटर है, राइट आउटर है, दो ही तो है, और ये ज्वाइन इज ऑर्गेनाइज, ठीक है, फुल आउटर ज्वाइन भी तो होता है, मतलब जी आउटर ज्वाइन की अलग अलग कैटेगरी है ऐसा आप बोल सकते हो। पूरा डेटा आया था ना, तो तो लेफ्ट आउटर है, राइट आउटर है, आल्सो नोन एज लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन भी इसको बोलते हैं, यानी कि जो आउटर ज्वाइन है ये कहने के लिए है, इसका नाम आउटर रखना ही नहीं चाहिए, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन रख देना चाहिए ना, है कि नहीं, यही तो हुआ। तो इसका मतलब ज्वाइन, इसका मतलब ज्वाइन तीन तरह से होता है मेनली अगर आप याद करो तो, एक हो गया इनर ज्वाइन, सॉरी हाँ एक इनर ज्वाइन, एक लेफ्ट ज्वाइन, एक राइट ज्वाइन, है ना। चलो लेकिन अगर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो वो था, पहला हमने क्या बात किया था यहाँ, इनर ज्वाइन, दूसरा आउटर, आउटर में दो कैटेगरी लेफ्ट आउटर राइट आउटर, बहुत आसान है लेफ्ट और राइट आउटर, केवल लेफ्ट टेबल का डेटा चाहिए तो लेफ्ट आउटर, राइट टेबल का डेटा चाहिए तो राइट आउटर, देखो लिखा हुआ है लेफ्ट ज्वाइन रिट्रीव ऑल द डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, है ना, विद द मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल, है ना, मतलब मैं पहले दोनों का मैच कर देगा और फिर उसके बाद लेफ्ट टेबल का सारा डेटा दे देगा, इफ देयर इज नो नी मैचिंग देन रिटर्न नल, समझ रहे हो। लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन जो होता है रिट्रीव ऑल द डेटा ऑफ लेफ्ट टेबल, ठीक है, टेबल वन विद द मैचिंग फ्रॉम द राइट टेबल, टेबल टू जो जो मैच करेगा लेफ्ट टेबल का ही सारा डेटा रिटर्न करके आपको दे देगा। बोलो भाई समरूज, बोलोगे आप, बोलोगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जी सर, सर ये बेसिकली जो आप सर वही बात आ जाती है जो हमारे लेफ्ट में जो वैल्यूज असाइनिंग हुई सर, वो लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन के द्वारा हम उन्हें गेट कर सकते हैं, और जो राइट वाली वैल्यूज जो किसी को असाइन हुई तो मतलब वो कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नीचे कर लीजिए, स्क्रॉल कर लीजिए, ये इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल देख लो ना यहीं से पता चल जाएगा। पहले वाला टेबल देखो, यूजर आईडी, नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, पासवर्ड है, ठीक है, आईडी क्या है 1234 है, ठीक है, अब बाकी छोड़ दो, आईडी बस रखो, यहाँ इम्प्लॉई आईडी है 1234, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्वेरी क्या चलाई गई कि सेलेक्ट कर दो नेम, इम्प्लॉई का नेम ले लो, यूजर लाओ, लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन यानी कि फ्रॉम यूजर लेफ्ट ज्वाइन लगाया गया, और किस फील्ड पे लगाया गया, ऑन करके लिखना चाहते हो तो ऑन लगा लो, या वेयर भी लगा सकते हो, जो वहाँ पे भी वेयर चल गया था, समझ रहे हो, वेयर ही लिखा था ना आपने, देखो MySQL ओपन करो, वेयर ही लगा है, वेयर भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, तो मेरी मैच करो, अब ऑन लगाया, लेफ्ट ज्वाइन करा, केवल जब लेफ्ट ज्वाइन करा तो किसका किसका डेटा आया, किस पे लगाया है, यूजर की आईडी पे और इम्प्लॉय की आईडी पे, तो जिसकी यूजर आईडी इम्प्लॉय आईडी मैच किया उसका क्या आ गया, नेम आ गया और ईमेल आ गया, तो तीन रिकॉर्ड आ गए हमारे, तो आना ही था लेफ्ट टेबल का सारा डेटा।
ऐसे ही राइट वाला करेंगे तो राइट वाले की जो मैचिंग होगी वो राइट वाले का डेटा आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है, द राइट जॉइन रिसीव ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल, है ना, विच इज मैचिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। सिंपल सा मतलब है यार, लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आ जाएगा दोनों को मैच करा के, राइट ज्वाइन में दोनों को मैच करा के राइट टेबल का डेटा आ जाएगा, और इनर ज्वाइन में दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो नीचे आ जाओ, और इसके बाद कौन सा एक ज्वाइन होता है, एक क्रॉस ज्वाइन भी होता है, इक्वी ज्वाइन भी होता है, फुल आउटर ज्वाइन होता है। नीचे लिखा फुल आउटर ज्वाइन, तो फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है भाई, रिट्रीव ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड फ्रॉम द राइट टेबल, जो अभी चलाया हमने, यही था ना। यस सर, ये जो वैल्यू, ये बेसिकली सर ये दूसरा वाला ज्वाइन है, ये वो करता है कि जो हमारे पास वैल्यूज असाइन हुई है वो भी बता देता है, और जो नहीं असाइन हुई वो भी बता देता है, मतलब कंप्लीट सर। जी सर, तो पहले कैसे कैसे काम कर रहा है बता दो फटाफट, यहाँ ऊपर थोड़ा सा ले जाओ, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। जी सर, यहीं से सर, बेसिकली क्या है कि हमारे पास सर इसमें ये यूजर वाला जो टेबल है सर, यहाँ से ये आईडीज को देखेगा और यहाँ से इन सबको देखेगा। अब ये देखेगा कि सर ये जो एलजी है सर, इसका डिपार्टमेंट क्या है, तो इसका डिपार्टमेंट बेसिकली नल है, तो ये हमें क्या बताएगा, कंप्लीट फुल आउटर ज्वाइन का यही फायदा होता है कि ये उन वैल्यूज को भी हमें बता देता है कि जिन पर कोई असाइनमेंट या कोई नहीं हो रहा, मतलब कोई मैचिंग जो है उनके हिसाब से उनको नहीं मिला वैल्यूज के हिसाब से, है ना सर। तो यहाँ से बेसिकली हमने सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट नेम यूजर डॉट ईमेल फ्रॉम। अब एक काम करोगे, एक वेन जी डायग्राम सर, आता है बनाने के लिए, वो बताओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बना लोगे, आता है सर बनाने? वेन डायग्राम पेंट पेंट खोलूं सर? हाँ पेंट में बना दो, ये बनवाते हैं इंटरव्यू में, कहते हैं इसको बना के दिखाओ। सर सही लिख रहा हूँ सर? क्या क्या कर रहे हो, तो कौन सा ज्वाइन बता रहे हो, बताओ कि बताओ आप। सर ये फुल आउटर ज्वाइन सर, फुल आउटर ज्वाइन। ये फुल आउटर ज्वाइन है, तो कैसे इसको बता रहे हो फुल आउटर है? जी सर, सर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो ज्वाइन जो इक्वी ज्वाइन हम करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो मैचिंग की वैल्यूज होती है ना सर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सर, अगर एक मिनट सर ये कहाँ चला गया, ये ब्रश का इस्तेमाल करके सर बताता हूँ मैं सर ये। जी सर, ये ज्वाइन में बेसिकली क्या होता है, ये देखें ज्वाइन लिखना यहाँ पर, सिंपल ज्वाइन में क्या होता है कि जो हमारे पास मैचिंग की वैल्यू होती है ना वो आ जाती है हमारे पास, मेन टू से अगर यहाँ से कुछ कॉमन डेटा आया इसमें से और इसमें से, ठीक है, और बीच तो वाला ये हिस्सा कौन सा ज्वाइन होता है? ज्वाइन का सर, ज्वाइन का जो कॉमन होगा सर इन दोनों में वो आ जाएगा सर हमारे पास। तो सही बना रहे हो डायग्राम, नहीं क्या कह रहे हो तो सर रवि? से बीच वाला हिस्सा प्रिंट होगा यूनियन। तो सर केवल लेफ्ट वाला सर होगा, आप जी गूगल सर कर क्या लो कह रहे ना, हैं? तुरंत लिखो ज्वाइन का वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ जी ज्वाइन, तुरंत आ जाएंगे वहीं पे, आपको डायग्राम दिख जाएंगे। ठीक है, इससे दिमाग में थोड़ा सा पिक्चर बैठ जाता है। सर, हाँ इमेजेस में चले जाओ बस, ये देखो टेबल वन टेबल टू है, ये बगल में ये वाला है, हाँ ये बढ़िया दिख रहा है, ये देखो ये ब्लू कलर का जो है ना, ये ब्लू ब्लू कलर में जो दिखा हुआ है, नाम भी लिया हुआ है, देखो तो इतना बढ़िया समझाया हुआ जी है। देखो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल का सारा डेटा, जैसे ये दो दो सर्किल हैं, समझ रहे हो, ये जो दो सर्किल हैं ये दो टेबल हैं, अब इन दोनों टेबल को मिलाओगे तो जी जो लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन है वो कहने के लिए लेफ्ट ज्वाइन है यार, उसमें क्या लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आ जाता है, समझ रहे हो, राइट ज्वाइन में राइट टेबल का सारा डेटा आ गया है ना, इफ नल यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद
जो इनर ज्वाइन है जो हम चला रहे थे अभी, जो हम कह रहे थे आपसे, तो बीच वाला हिस्सा जो है वो आ जाता है, समझ रहे हो, बीच वाला जो है हिस्सा वो आ जाता है, ठीक। और फुल आउटर ज्वाइन जो है ये सारा डेटा आ जाता है इसको मिला के, ठीक है, इस तरह से, समझ रहे हो ना, ये सही है, बढ़िया डायग्राम। यस सर। तो उसको लगा लेना, उसे चिपका दो यहीं पे। चलिए बाकी भी जो ज्वाइन है।